अमरीका के हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव ने पिछले हफ्ते की कैपिटल हिल हिंसा में बगावत भड़काने के इल्जाम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खिलाफ महादोष का प्रस्ताव पास कर दिया है। इस विच कुछ रिपब्लिकनों ने डेमोक्रेटा का साथ दिता और महादोष का मता 997 वोटों के मुकाबले 232 नाल पास होया। ट्रंप अमरीका के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्हों पर दूसरी बार महादोष का मुकदमा चलाया गया है। ट्रंप खिलाफ हुण सैनेट में सुनवाई होगी, उत्थे जे उन्होंने मुलजम करार दे दिता जाता है तो उन्हों पर ता उम्र लई राष्ट्रपति चोणां लड़न की पाबंदी लग जाएगी। हालांकि राष्ट्रपति महादोष के बावजूद अपना कार्यकाल पूरा होने तक अहुदे उपर बने रहेंगे क्योंकि इन्ने समय में सैनेट नहीं सदी जाएगी। पिछले साल नवंबर में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन तो शिक्षित खाण तो बाद ट्रंप 20 जनवरी को अहुदा छड्डणगे। कांग्रेस वालों मता पास किए जाने तो बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल उपर शांत आवाज में जारी एक वीडियो सुनेहे राही अपने हमायती अमन कानून कायम रखने की अपील की और कहा कि उनका कोई सच्चा हमायती सियासी हिंसा में शामिल नहीं होगा। महादोष के इल्जाम सियासी सन ना कि क्रिमिनल। कांग्रेस वालों उन्होंने उपर एक इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने 6 जनवरी में व्हाइट हाउस के बाहर एक रैली में अपने एक संदेश में भीड़ को कैपिटल बिल्डिंग उपर चढ़ाने लिए प्रेरित। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज़ कॉम टीवी।